हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो कि आप सब ठीक होंगे। मार्केट में इतने अच्छे अच्छे आम आने लगे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी आम के एक रेसिपी शेयर किया जाए। ये हमारे दादी नानी की रेसिपी है गाइस। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूल। गाइस, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए ताकि आपको हर रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसको हमें अच्छे से छील लेना है। सबसे पहले हमें कैरी को स्लाइस में अच्छे से कट कर लेना है ऐसे। आप चाहे तो छोटा छोटा भी कट कर सकते हैं। जहां से मैंने मेरी दादी नानी से सीखी है वो लोग स्लाइस में कट करते थे। ऐसे हम सब कट कर लेंगे गाइस। गाइस हमें एक पैन लेना है, इसके अंदर हम 2 से 3 चम्मच सूजी ऐड करेंगे। इसको हमें अच्छे से भूनना है। सूजी हमें भून के ऐड करना है। इस सूजी को मैंने अच्छे से 3 मिनट तक अच्छे से भून लिया है गाइस। इसको हम एक प्लेट में ले लेते हैं। इसके बाद सेम वही पैन में हम पानी ऐड करेंगे 2 ग्लास जितना। ये पानी के अंदर हम कटी हुई कैरी ऐड करेंगे और अच्छे से हम 2-3 उबाल आने तक हम इसे पकने देते हैं गाइस। गाइस हम चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि हमारे आम अच्छे से नरम हो चुके हैं। इसको हम साइड पर रख देते हैं और तो दूसरी पैन रखते हैं हम। गैस हमारा ऑन है। कड़े में हम देसी घी ऐड करेंगे 2 चम्मच। ये घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे। ये 2-3 मैंने लौंग लिया है वो हम ऐड करेंगे। 2 इलायची लिया है उसको मैंने खोल लिया है। आप चाहे तो इलायची का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी दालचीनी ऐड करेंगे। 1 तेज़पत्ता लिया है वो भी हम ऐड करेंगे। थोड़े से कड़ी लिप्स लिया है गाइस वो हम डालेंगे। 2 हरी मिर्च को मैंने कट कर लिया है गाइस वो हम ऐड करेंगे। 2 सेकंड के लिए अच्छे से हमें इसकी भुनाई करना है। उबले हुए आम अंदर डाल देंगे। पानी के साथ ही हमें डालना है गाइस। इसमें हम चीनी ऐड करेंगे क्योंकि हम खट्टा मीठा सब्जी बना रहे हैं गाइस। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने आधी कटोरी ऐड किया है। थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालेंगे। थोड़ा सा काला नमक भी ऐड करेंगे। नमक आप ज़रूर डालें गाइस, उससे टेस्ट बढ़िया आता है। गाइस हमने जो सूजी भून के रखा था वो भी हम ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिला देंगे। दादी नानी जब भी घर में कोई सब्जी नहीं होती थी तो ये सब्जी हमें बना के खिलाती थी गाइस। तो बहुत टेस्टी लगती थी और ये सब्जी हमें रोटी पराठे या पूरी के साथ देती थी। हमें बहुत ही मज़ा आता था गाइस। इसको हम कवर करके कुछ सेकंड के लिए पका लेते हैं। तो गाइस ये सब्जी हमारे बनकर रेडी है। तो गाइस ये सब्जी हमारी रेडी है, इसको हम गर्मा गर्म ही सर्व कर देंगे। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूले। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।